जैसा आपको बताया कि राजकोट से जो सुरेंद्रनगर वाला सेक्शन और राजकोट से ओखा सेक्शन, ये दो सेक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बचे हुए थे। इन दोनों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है और जो प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उन्होंने इसका अथॉराइजेशन भी हमें दे दिया है। अथॉराइजेशन हर वक्त सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस होता है, वो जो भी कंडीशंस हैं उन पर काम चल के उनका कंप्लायंस चल रही है। उनका कंप्लायंस होते से ही बहुत जल्द विद्युतीकरण के उससे हमारी जो विद्युत पे चलने वाली ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे वो चालू हो जाएंगी ओखा तक। इससे जो फ़ायदा होता है इलेक्ट्रिफिकेशन से, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारा जो डीजल से ट्रेनें चलती थी उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था और कार्बन जो उत्सर्जन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता था, जिससे कि एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँचता था। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर ट्रेन चलने से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और पॉल्यूशन कम होगा, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज विद्युतीकरण का ये होता है कि विद्युतीकरण में जब इलेक्ट्रिक लोको चलता है तो ओईची से डायरेक्टली जो एनर्जी आती है वही एनर्जी सभी कोचेज़ में, लाइट्स के लिए, फैंस के लिए और एयर कंडीशन कोचेज़ में जाएगी। तो अभी आपने देखा होगा कि जब डीजल से ट्रेनें चलती हैं तो दोनों एंड पे दो पावर कार्स लगी होती है और उनसे उसको एसी कोचेज और उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी, जो कि इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है। अब इसके चलने से हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगी, तो इससे यात्रियों की जो फैसिलिटी है फैंस लाइट्स की और एयर कंडीशनिंग की, उसकी कंप्लेंट आना काफ़ी कम हो जाएगी और उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ये दो मेन फ़ायदे हैं। तीसरा फ़ायदा जो होना है भविष्य में कि विद्युतीकरण के होने से जो ट्रेनों की स्पीड है उसमें इजाफा होगा और स्पीड बढ़ने से जो हमारा कैपेसिटी कॉन्स्टेंट था वो कम होगा, उससे हम ज़्यादा ट्रेनें चलाने में सक्षम हो पाएंगे। तो भविष्य में हमें आशा है कि हमें सौराष्ट्र को अतिरिक्त ट्रेनें भी मिलेंगी। सौराष्ट्र के अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज जो अहमदाबाद में अभी क्या होता था कि इलेक्ट्रिक पे ट्रेन आती थी और वहाँ से फिर डीजल चल के हमारे पास आता था, तो वो टाइम जो इलेक्ट्रिक से डीजल बदलने में लगता था अहमदाबाद में वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस ट्रेन के समय की हमारे पास बचा। डबलिंग होने से सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें हुआ है वो एक तो ये है कि हमारी पहले जब सिंगल लाइन थी तो काफ़ी स्टेशनों पे हमें एक दूसरी ट्रेन को क्रॉसिंग कराने के लिए रोकना पड़ता था, तो वो ख़त्म हो गया। उससे हमारी जो पंक्चुअलिटी थी, पहले हमारा पंक्चुअलिटी परसेंटेज लास्ट ईयर करीब 92-93% चल रहा था, वो इस साल बढ़ के 98-99% के आसपास हो गया। तो समय पालनता में काफ़ी इजाफा हुआ है, सेफ्टी काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि एक ही लाइन पर जब दो ट्रेनें आ रही होती हैं तो सेफ्टी का हजार हबक बना रहता है। डबलिंग पे जब चूँकि दोनों की अलग अलग डायरेक्शन की अलग ट्रेनें, तो उससे सेफ्टी में काफ़ी इजाफा हुआ है। हमारी जो फ्रेट ट्रेन की स्पीड है, गुड्स ट्रेनों की स्पीड, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, वो मेन फ़ायदा है। फिर जैसा मैंने बताया, जैसा इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ डबलिंग का भी फ़ायदा ये होना है कि आने वाले समय में हमें अतिरिक्त ट्रेन मिलने की उम्मीद है।